विदिशा की जेल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, जिसमें उन बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी जिनके भाई जेल में हैं। वहीं बहनों ने बताया कि भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अच्छा लग रहा है। साथ ही बताया कि प्रशासन ने इंतजाम भी अच्छे किए। जिला जेल अधीक्षक ने बताया कि कोरोना के कारण पिछले 2-3 सालों से जेल में राखी नहीं मनाई जा रही थी, लेकिन इस बार त्यौहार मनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। बांधने आ गए, वहीं कैसा लग रहा है, मतलब कैसे मिलाई करवाई गई है? अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी अच्छा है, व्यवस्था तो अच्छी है, मिल लिया कोई को, और कुछ नहीं, अब क्या कह सकते हैं। जब जेल पर हाँ भाई बंधन का त्यौहार, हाँ तो भाई से मिलने आए, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और कितने समय बाद मिली आप भाई? बहुत टाइम हो गया, 10 महीने हो गए। देखिए, पिछले 2-3 वर्षों से कोविड के कारण इस प्रकार से खुली मुलाकात नहीं हो पा रही थी, इस तरह राखी का बंधन नहीं हो पा रहा था, परंतु मध्य प्रदेश शासन के आदेश से इस बार जिला जेल विदिशा में भी जो पुरुष कैदी बंद हैं या महिला कैदी बंद हैं, उनके जो भाई या बहन हैं, उनकी खुली मुलाकात की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कि वो अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लक्सर में रक्षाबंधन के त्यौहार पर बाजार सजे हुए हैं, लेकिन बाजारों में रौनक नहीं दिखाई दे रही है। दुकानदार त्यौहार के सीजन में मंदी होने में खासा परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर दुकानदारी बहुत कम हो रही है। दरअसल भारी बारिश से क्षेत्र में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसका सीधा असर बाजारों की रौनक पर पड़ रहा है। पर सरकार को थोड़ा और भी कुछ सोचना चाहिए, कोई इसी से थोड़ा ये नहीं होएगा कि हाँ भाई इसी से काम चलता है, लोगों का इतना नुकसान हो गया, इतना सब कुछ हो गया, अब कैसे लोग बात कैसे घर का करें, कैसे करें, इतने नुकसान में क्या त्यौहार की रौनक रह गई, कुछ भी रौनक नहीं रही। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, सर तहसील पूरी की पूरी जो इस बार बाढ़ की भयावह चपेट में आई है, उससे पहले 2 साल तक कोरोना का भी इस बाजार पर दुष्प्रभाव रहा, और अब न केवल देहात का क्षेत्र बल्कि नगर क्षेत्र में भी प्रत्येक घर में बहुत बहुत नुकसान हुआ, और 5-6 मंत्रियों के चक्कर लगे, मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया यहाँ पे, लेकिन सिवाय आश्वासन के अभी तक मैं समझता हूँ जनता कुछ नहीं मिल पाया। जो 2500-2500 रुपये के चेक लोगों को दिए गए हैं, वो ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं है।